हेलो फ्रेंड्स, आज अपना टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, यानी कि विजयनगर एम्पायर। जैसा कि आप देख सकते हो कि इन दो भाइयों ने अपने दम पर खड़ा कर दिया मध्यकालीन भारत का इकलौता हिंदू साम्राज्य। और नीचे और लिखा है कि इन्होंने बनाया था भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे भव्य नगर। देख सकते हो आप बाकायदा। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना, पढ़ते हैं विजयनगर साम्राज्य और दो जो भाई थे हरिहर और बुक्का, उन्होंने कैसे अपने संघर्षरत जीवन में कैसे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और आप पढ़ेंगे इनके बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हो कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, तो विजयनगर एम्पायर। तो फ्रेंड्स, जब मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम समय में, जब मोहम्मद तुगलक का शासनकाल था 1324 से लेकर 1351 तक, यह इस समय किसका था? मोहम्मद तुगलक, तुगलक वंश का जो मोहम्मद तुगलक था उसका शासनकाल था 1324 से, आप याद रखेंगे, 1351 तक। तो उसका जो अंतिम समय था, यानी 1351 के लगभग उसका टाइम आ गया था, तो उसकी नीतियाँ जो थी वो बहुत गलत थी, और उसकी नीतियों के कारण ये प्रजा जो थी वो दुखी हो गई थी। जब अधिकांश स्थानों पर अव्यवस्था फैली और अनेक प्रदेशों के शासकों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया, तो दक्षिण के हिंदू भी इससे लाभ उठाने से नहीं चूके। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सन 1336 में ही कर दी थी। और वो पांच भाई थे, पांच भाइयों के नाम आप पढ़ सकते हैं। हरिहर कंपा प्रथम, बुक्का प्रथम, मारपा और मधुपा। इस परिवार के दो सदस्य हरिहर और बुक्का, ये दो महान शासक हुए थे और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की जो है स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे और आपको बता देता हूँ। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो हम्पी थी। कौन सी थी? हम्पी। इन्होंने अपनी राजधानी हम्पी को बनाया था और तुंगभद्रा नदी के किनारे इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। आज भी खंडर जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे आप देख सकते हो इस राज्य के। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं कि अनेक शिलालेखों के अनुसार हरिहर और बुक्का जो है इस परिवार, जो संगम परिवार के थे, इनके पिता का नाम था संगम। फ्रेंड्स, तो इन्होंने इसके पिता का नाम क्या था? संगम। तो इस नाम से ही इन्होंने अपना राज्य किस नाम से क्या था? संगम वंश के नाम से इन्होंने चलाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं कि विजयनगर का जो साम्राज्य था वो संगम वंश के नाम से चलता था। तो चलिए चलते हैं। ये चंद्रवंशी संगम के पुत्र थे। ये दोनों भाई वारंगल राज्य के शासक प्रताप रुद्र द्वितीय की सेवा में थे। ये दोनों भाई किसकी सेवा में थे? जो वारंगल राज्य के जो शासक था प्रताप रुद्र द्वितीय, उसकी सेवा में थे। जब गयासुद्दीन तुगलक ने वारंगल को 1323 ईस्वी में जीत लिया तो वे कंपाली चले आए। जब इसको प्रताप रुद्र को गयासुद्दीन तुगलक ने पराजित कर दिया तो ये दोनों भाई क्या किया इन्होंने? ये कंपाली चले गए। मोहम्मद तुगलक ने उनके विरुद्ध उनके चचेरे भाई बहाउद्दीन गुरशप ने 1325 ईस्वी में कर्नाटक में सागर नामक स्थान पर विद्रोह कर दिया और सुल्तान ने स्वयं जाकर उसके विद्रोह को दबाया। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आगे आता है, उसके बाद आता है मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक के बाद, जिन छह अधिकारियों को कामपाली से बंदी बनाकर दिल्ली ले गया था, मतलब इसमें जो हरिहर और बुक्का वो भी शामिल थे, उनको दिल्ली ले गया वो। और उनमें से ये दोनों भाई संभवतः उन्होंने इस्लाम, ये दोनों भाई थे और संभवतः उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया या जबरदस्ती स्वीकार करा लिया गया और वे सुल्तान के कृपापात्र बन गए। मोहम्मद तुगलक के विरुद्ध 1327 और 28 ईस्वी में दक्षिणी राज्यों में विद्रोह की एक श्रृंखला शुरू हुई। और ये राज्य कौन से थे? बिदर, दौलताबाद, गुलबर्गा, मुद्रा, तेलंगाना और कंपाली। यहाँ पर जो है इनके विरुद्ध जो है ये विद्रोह छिड़ गया। तो मोहम्मद तुगलक ने क्या किया? हरियर और बुक्का को दक्षिण के कामपाली प्रांत में भेजा। इनकी मोहम्मद तुगलक को विश्वास हो गया कि अपने धर्म अपना ये स्वीकार कर लिया है, ताकि वे विद्रोही हिंदुओं को कुचलकर वहां से सूबेदार मालिक मोहम्मद से शासन अपने हाथों में ले ले। इन दोनों के दक्षिण जाने के बाद सचमुच वहां क्या हुआ, यह मुस्लिम इतिहासकार और हिंदू परंपरागत कथाओं के परस्पर विरोधी वर्णनों के कारण बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। यानी कि जो मुस्लिम इतिहासकार वो कहते हैं कि ये जो है मतलब ईमानदार रहे, लेकिन हिंदू जो वर्णन, हिंदू जो
कथा है उनके अनुसार ये बिल्कुल अगेंस्ट है, इसके विरुद्ध में है, तो इस कारण से कोई स्पष्ट नहीं पता चलता है। फिर भी एक बात पर दोनों जो है स्रोत सहमत हैं कि इन दोनों भाइयों ने इस्लाम को शीघ्र ही तिलांजलि दे दी, यानी कि पहले इन्होंने स्वीकार किया था फिर इस्लाम छोड़ दिया था और स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और कौन सा वंश चलाया था इन्होंने? संगम वंश चलाया था। फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और आगे अपन बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पिता जो चंद्रवंशी क्या थे, संगम थे, के नाम से नाम को अमर करने के लिए कामपाल यानी कि आधुनिक कर्नाटक के विद्यारण्य नामक इनका जो गुरु था वो उसका नाम क्या था, विद्यारण्य संत के प्रभाव में आकर इस राज्य की नींव रख दी और मोहम्मद तुगलक से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, यानी कि उनके साथ धोखा कर दिया इन्होंने। फिर यहाँ पर जो है चार राजवंश के बारे में क्या है कि इस वंश में 1336 से लेकर, यानी कि जो संगम वंश था इन्होंने 1336 में संगम वंश की स्थापना की, से 1565 तक चार राजवंशों ने शासन किया। पहला था संगम वंश जिसका शासनकाल चला था 1336 से 1485, इन्होंने संगम वंश का यह शासनकाल था 1336 से 1485, बिल्कुल याद रखने योग्य बात है तो आप याद रखेंगे। फिर दूसरे नंबर पे आता सालू वंश ने शासन किया था 1485 से 1505, यानी कि लगभग 20 वर्ष विजयनगर पे शासन किया। फिर आता है तुलु वंश यानी कि तुलु डायनेस्टी, तो 1491 से 1570 तक इस वंश ने शासन किया। फिर अरविडु वंश, तो इसने शासन किया था 1542 से लेकर 1646 तक, लगभग 104 वर्ष तक शासन किया था। फिर फ्रेंड्स क्या होता है कि इनमें से प्रथम दो जो राजवंश थे संगम वंश और सालू वंश यानी कि ये किसके समकालीन थे, एक बहमनी साम्राज्य के समकालीन थे। जबकि जो तीसरा राजवंश तुलु राजवंश था, वो बहमनी राज्य के विघटन के बाद बनी पांच मुस्लिम जो रियासत थी वो थी बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। ये पांच मुस्लिम रियासत थी, इनके समकालीन कौन सा राजवंश था, तुलु राजवंश, ये जो इनके समकालीन था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे अपन क्या पढ़ते हैं, अपना हरिहर और बुक्का के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स, हरिहर और बुक्का के बारे में, ये जो जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स इन्होंने क्या था, हरिहर ने अपने भाई बुक्का के साथ विजयनगर राज्य की नींव डालने के बाद सबसे पहले गुट्टी तथा फ्रेंड्स हरिहर और बुक्का के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो हरिहर ने अपने भाई बुक्का के साथ विजयनगर साम्राज्य की नींव डालने के बाद सबसे पहले गुट्टी तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को अपनी सत्ता स्वीकार कराने के लिए विवश कर दिया, यानी कि उन्होंने अपना राज्य जो है विस्तार करना शुरू कर दिया। और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित अणेगोंडी के आमने सामने दो नगर बसाए। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस इमेज आगे इस पर दिख नहीं रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं क्या पढ़ाता हूँ वो देखते हैं। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं हरिहर प्रथम के बारे में, दो भाई थे हरिहर और बुक्का, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हरिहर प्रथम के बारे में। इसने शासन किया था 1336 से लेकर 1353 ईस्वी तक। हरिहर ने 18 अप्रैल 1336 ईस्वी को हिंदू रीति से अपना राज्याभिषेक समारोह संपन्न किया। उसने भाई बुक्का की मदद से अपने राज्य का तेजी से विस्तार करना शुरू कर दिया। 1346 ईस्वी में मदुरई, जो वर्तमान में मदुरई है, वो पहले मदुरा नाम से जाना जाता था, यानी कि मदुरई राज्य के विरुद्ध संघर्ष करते हुए अंतिम होयसल नरेश बल्लाल चतुर्थ मारा गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर हरिहर ने होयसल साम्राज्य को विजयनगर में शामिल कर दिया। हरिहर ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने साम्राज्य का विस्तार पूर्व से पश्चिम के दोनों समुद्र तटों तक तथा उत्तर में कृष्णा नदी से दक्षिण में कावेरी नदी के निकट तक फैला दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हरिहर प्रथम। और आगे क्या है इसके बारे में कि हरिहर प्रथम के काल में क्या क्या हुआ था, बहमनी राज्य स्थापित हुआ था। एक तो बहमनी राज्य 1346 में स्थापित हो गया था पहले, और इससे संघर्ष इसने बहमनी राज्य से भी संघर्ष किया था। कब हुआ था, जब उसने कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के मध्य से स्थित रायचूर के किले पर अधिकार कर लिया। हरिहर प्रथम ने 1336 ईस्वी में मदुरई राज्य पर आक्रमण करके कुछ हद तक रायचूर के किले की क्षतिपूर्ति की, क्योंकि
उसने मदुरई से कुछ क्षेत्र जीतने में सफलता प्राप्त की। हरियर ने न केवल साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि प्रशासनिक प्रणाली की रूपरेखा भी तैयार की थी। उसने काकतेय, काकतेय मतलब होता है दक्षिण का एक राजवंश, के आदर्शों का अनुसरण करते हुए अपने साम्राज्य के स्थलों और अपने साम्राज्य को स्थलों और नाडुओं में संगठित किया। उनके शासन व्यवस्था के लिए ब्राह्मण की नियुक्ति की और उसने कृषि की शुरुआत की थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। फिर उसके बाद आता है बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम जो इसका भाई था, ये भी बड़ा वीर था। तो कुछ विद्वानों के अनुसार, यानी कुछ विद्वानों की राय है कि बुक्का प्रथम अपने भाई हरियर प्रथम के काल में ही मतलब संयुक्त शासक हो गया था और उनकी राजगद्दी गुट्टी थी। लेकिन 1356 में अपने भाई हरियर की मृत्यु के बाद वह एकमात्र सम्राट के रूप में उसका उत्तराधिकारी बना। उसने 1377 ईस्वी तक राज किया। उसने चीन के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए अपना राजदूत भेजा। उसने बहमनी सुल्तान मोहम्मद प्रथम और मुहाजिद के साथ प्राय संघर्षरत रहना पड़ा, जिसे विजयनगर को क्षति पहुंची, क्योंकि ये इसके पहले इसके हरियर के काल में विरोधी बन चुके थे बहमनी राज्य। उसके काल में विजयनगर और बहमनी राज्य में उसके काल में विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच 3 युद्ध हुए, 1360 में, 1365 में और 1367 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्योंकि ये क्षेत्र जो विजयनगर था, यह कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों के मध्य में स्थित होने के कारण बहुत उपजाऊ था, लेकिन इन युद्धों में बुक्का को सफलता प्राप्त नहीं हुई और वह हरियर के द्वारा खोए गए रायचूर के किले को पुनः प्राप्त नहीं कर सका। 1378 में गुलबर्गा के सिंहासन पर जब मोहम्मद द्वितीय बैठा, तब दोनों राज्यों में संघर्ष रुका, क्योंकि नया बहमनी सुल्तान शांति प्रिय था। बुक्का प्रथम के काल में उसके पुत्र कंपन ने मदुरई की सुल्तानशाही को पराजित करने में सफलता प्राप्त की। उसने उत्तरी और दक्षिणी अर्काट को विजयनगर की अधीनता स्वीकार करने पर विवश कर दिया था। किसने कर दिया था? इसके पुत्र ने। इसका पुत्र का नाम क्या था? बुक्का प्रथम के पुत्र का नाम था कंपन। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आगे क्या आता है कि कंपन की पत्नी गंगा देवी द्वारा रचित संस्कृत कविता है मदुरई विजयम। क्योंकि इसने कंपन ने मदुरई को जीता था, तो इसकी पत्नी ने जो एक संस्कृत में कविता लिखी थी जिसका नाम जिस वो किस टाइटल से है, तो मदुरई विजयम के अनुसार उसने 1365 से 1370 के बीच ये सफलता प्राप्त की थी। यानी कंपन ने जो मदुरई को जीता था वो था 1365 से लेकर 1370 तक। 1379 में बुक्का प्रथम की मृत्यु हो गई। बुक्का एक महान योद्धा, राजनीतिज्ञ, विद्या प्रेमी शासक था। उसने सहनशील और उदारता की नीति अपनाते हुए जैनियों और वैष्णव संप्रदाय के लोगों में एकता की भावना स्थापित की। निस्संदेह वह बहमनी राज्य के रायचूर का क्षेत्र प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन उसने अपने शासनकाल में कोई भी क्षेत्र खोया भी नहीं। उसने अनेक पुराने मंदिरों की मरम्मत कराई और अनेक हिंदू विद्वानों के माध्यम से धर्म, दर्शन शास्त्र और कानून बनाकर नई नीतियों से उसने शासन किया था। ठीक है फ्रेंड्स, फिर क्या हुआ कि बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा तथा उसने 27 साल तक शासन किया और समूचे दक्षिण भारत में विजयनगर की प्रधानता सुदृढ़ की। ठीक है फ्रेंड्स, फिर क्या पढ़ते हैं अपन कि विजयनगर साम्राज्य जो है वो किस नाम से था? तो संगम वंश के नाम से था, जो इनका हरिहर और बुक्का का पिताजी थे। विजयनगर साम्राज्य में 1336 से लेकर 1565 तक 3 राजवंश हमें आपको पढ़ाया गया, संगम वंश, सालुंग वंश और तुलु वंश। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आगे क्या आता है? आज हमने संगम वंश, संगम राजवंश विषय में पढ़ा है। संगम राजवंश के ये प्रमुख शासक थे। पहला था हरियर, जिसके 1353 में मृत्यु हो जाती है। फिर बुक्का प्रथम शासन करता है, उसकी भी 1377 में मृत्यु हो जाती है। फिर हरियर द्वितीय आता है, वो 1404 तक शासन करता है। फिर देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, फिर मलुक अर्जुन या प्रौढ़ देवराय। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक ये अपन आज क्लियर कर चुके हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने का प्रयास करें। ठीक है फ्रेंड्स, कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।